सुगज वेलकम टू योर चैनल रसल वर्ल्ड। तो गाइस आज के वीडियो पे हम बात करने वाले WWE जुड़ी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट्स के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे गोल्डबर्ग एंड रोमन रिंग्स के बारे में, जिनके बीच में होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के बारे में, और इस हफ्ते AEW डायनामाइट और NXT को कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते AEW डायनामाइट और NXT को कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस इस हफ्ते NXT को व्यूअरशिप मिली है 6,97,000 की, और यहाँ बात करें डायनामाइट की तो उन्हें व्यूअरशिप मिली है 7,66,000 की, जो कि पिछले हफ्ते से कम ही है। लेकिन इस हफ्ते फिर से वेडनेसडे नाइट वार में AEW डायनामाइट ने हरा दिया NXT को। सो गाइस बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। तो गाइस जैसा कि आज हमने स्मैकडाउन देखा था, जो कि हमें एक परफॉर्मेंस सेंटर में देखने को मिला था, और वहाँ कोई भी ऑडियंस नहीं था। तो गाइस अगले हफ्ते रॉ भी होने वाला परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, और कोई भी वहाँ पे ऑडियंस नहीं रहेंगे, और ये बात कुछ WWE ने ऑब्वियसली कंफर्म भी कर दी है। सो गाइस बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस अगले हफ्ते स्मैकडाउन के लिए WWE ने एक बहुत बड़ी चीज़ कंफर्म कर दी है, वो एक रोमन रिंग्स और गोल्डबर्ग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो गाइस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर आ रहे गोल्डबर्ग और वहाँ पर रहेंगे रोमन रिंग्स भी, और दोनों के बीच में होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। और गाइस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो एक बहाना ही है, असल में हमें WWE दोनों सुपरस्टार को आमने सामने दिखाना चाहते भी है। और आमने सामने जब दोनों सुपरस्टार अगले हफ्ते आते हैं, तो हमें दोनों के बीच में एक ब्रॉल भी देखने को मिल जा सकती है। तो गाइज अगर आप लोग वीडियो पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे रेसलिंग अपडेट जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा।